सो हाय फ्रेंड्स, सो हम आज की वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई इग्नोर कर रहा है, या वो आपको भूल चुका है, या भूलने की कोशिश कर रहा है, या कहीं किसी और के साथ अटैच हो गया है, तो हमें ऐसा क्या करना है कि वो वापस आ जाए। ये वीडियो डिफरेंट 3 पार्ट्स में डिवाइड है, एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इन तीनों पार्ट्स को देखें, तीनों पार्ट्स को समझें। देन आई अश्योर यू कि इन तीनों पार्ट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो वो बंदा जरूर वापस आएगा, या आपकी जो बंदी है वो जरूर वापस आएगी। तो इन तीनों पार्ट्स को फॉलो करना, और फॉलो करने से पहले समझना बहुत जरूरी है। तो इन तीनों पार्ट को ध्यान से सुनिए और समझिए, और फिर इनको फॉलो करिए। एंड आई गारंटी यू कि जो बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, या आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, या कहीं और अटैच हो गया, तो डेफिनेटली वो बंदा या आपकी वो बंदी वापस आ जाएगी। पहला पार्ट ये है कि अगर आपने कोई गलती की है, अगर आपने कोई गलती की है, आपका कोई आर्ग्यूमेंट हो गया था, आपने कुछ गलत बोल दिया था, या उसकी फैमिली के बारे में कुछ गलत बोल दिया था, तो फ्रेंड्स कॉल कर लो, मिल लो और उससे माफी मांग लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप पहले आप ये चेक भी कर लो कि रियल में इग्नोर कर रहा है या कहीं रियल में बिजी तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि हम रेगुलर पहले अच्छे टच में होते हैं और हम ज्यादा मिल रहे होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है कि हो सकता है उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हो, उसका कुछ काम बढ़ा हो, घर में कुछ जिम्मेवारी बढ़ी हो, या पर्टिकुलर अभी किसी प्रोजेक्ट में हो तो वो कहीं बिजी हो, तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। तो फर्स्ट अंडरस्टैंड हिम या हर। ये दोनों चीजें पहले अश्योर कर लो, गलती हुई है माफी मांग लो, और अगर कहीं बिजी है तो चेक कर लो कि वो बिजी है या रियल में इग्नोर कर रहा है। और अगर आप रियल में इग्नोर कर रहा है तो नाउ सिचुएशन इज क्रिटिकल। अब अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है, अगर वो कहीं और एंगेज हो गया है, या जानबूझ के ऐसा कर रहा है, आपको भूलने की कोशिश कर रहा है, तो अब 2 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों चीजों को समझिए। एक एक हिस्सा वो है वीडियो का कि आपको जो नहीं करना है फ्रेंड्स, वो आपको नहीं करना है, और एक हिस्सा ये है जो आपको करना है। तो आपको क्या नहीं करना है? आपको उसको बार बार कॉल नहीं करनी है। अगर वो रियल में आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको बार बार उसको कॉल्स और मैसेजेस नहीं करने हैं। अगर आप बार बार उसको कॉल करोगे, बार बार उसको मैसेज करोगे, तो नंबर 1, एक तो सिचुएशन और खराब होगी, और बहस होगी, और दूसरा उसकी ईगो बढ़ती जाएगी, उसका भाव बढ़ेगा कि भाई देखा मेरे बिना रह नहीं पा रही ना, तो उसका और ज्यादा भाव बढ़ेगा। तो थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा उसको गैप दो, लेट हिम चेक ऑल्सो कि तुम्हारे बिना उसको कैसा लग रहा है। और जितना तुम थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, उसको बेचैनी नहीं दिखाओगे कि अरे तूने, मैंने 1 घंटे पहले तुझे मैसेज किया था, तूने मैसेज नहीं किया, तूने कॉल बैक नहीं किया, तो उसके बाद वो बेचैनी से उसके भाव बढ़ेंगे। तो उसको वो बेचैनी मत दिखाओ, बार बार कॉल मत करो, उसके भाव मत बढ़ाओ, थोड़ा सा स्पेस दो, उसको भी चीज को देखने दो, समझने दो, उसके भाव बिल्कुल मत बढ़ाओ। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम जनरली करते हैं ना, अब ये मैं उदास हूं, तेरे बिना मैं मर रही हूं, इस टाइप के स्टेटस सोशल मीडिया पे डाल देना, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना, अपने प्रोफाइल पे लगा देना, इंस्टा पे, ऐसा बिल्कुल मत करो। ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अपनी जिंदगी का बैंड बजा देते हो ना कि मैं तेरे बिना मर रही हूं, तेरे बिना ये हो रहा है, ऐसा मत करो फ्रेंड्स। उससे क्या होगा, उसको ये लगेगा देखा मेरे बिना मर रही है ना, मेरे बिना ये हो रहा है, मेरे बिना रहा नहीं जा रहा, और इग्नोर करेगा। ऐसा बिल्कुल मत करो। दूसरी चीज, उसके आगे बार बार फोन करके या मिलके उसके आगे भीख मत मांगो। फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, कभी भी कोई लड़का हो लड़की हो, उसको जिंदगी में भिखारी भाई किसी को नहीं चाहिए, सबको राजा और रानी चाहिए। तो बी अ क्वीन, किंग और क्वीन, भीख मत मांगो, अपना भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, उसको मेंटेन करो। तो ये चीजें हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब क्या वो चीजें हैं जो आपको करनी है? आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपने अंदर चेंज लाना शुरू करो, अपने पे काम करना शुरू करो। अगर बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, तो जिस जिस टाइम में आप रो रहे हो, उससे भीख मांग रहे हो, बार बार फोन कर रहे हो, उस टाइम में सुबह उठ के 30 मिनट अपना योगा करो, एक्सरसाइज करो, किसी अच्छे जिम को ज्वाइन कर लो, एरोबिक्स ज्वाइन कर लो, वहां के छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाओ, डालो सोशल मीडिया पे कि यू आर वर्किंग ऑन योर हेल्थ, यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर यू योर सेल्फ। किसी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स पे अगर आपको लगता है आपके अंदर ये एक जगह है, आप वहां पर काम करना शुरू कर दो।
आप अपने बारे में सोचो, अपनी स्किन के बारे में सोचो, अपने हेयर स्टाइल, एक अच्छा हेयर कट कराओ, अपने हेयर स्पा कराओ, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो कि एक हफ्ते बाद अगर आपको कोई देखे, अरे भाई बंदी यार, बंदी लग रही है कुछ, अरे भाई दम होता है ना, अगर नॉलेज है आपको, मैगजीन्स पढ़ो, चैनल्स देखो, न्यूज देखो, कुछ ना कुछ अपने आप को अपडेट करो, अपने अंदर चेंज लाओ कि जब आप खड़े हो तो चार लोग बोले भाई बंदी में दम है, और जब ऐसे लोग होते हैं ना तो वो आप वाला बंदा क्या, और चार लोग आपके पास आएंगे, तो अपने आप को प्रिपेयर करो, नेवर नो, वो बंदा तो आएगा ही आएगा, और चार लोग आपको पसंद करेंगे तो उनसे जालस खा के वो बंदा जरूर आएगा वापस। सो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे अपनी वैल्यू को बढ़ाओ, लोग आपके पीछे पीछे आएंगे, और फिर उन चीजों को सोशल मीडिया पे अपने स्टेटस पे और चीज पे डालो कि हाउ आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, यू नो, ऑन माई डेवलपमेंट। इन चीजों पे काम करो, जितना आप अपनी चीजों पे काम करोगे, अपने आप को निखारोगे, लोग पक्का वापस आएंगे। अगर आपकी वैल्यू होगी चार लोगों के बीच में खड़े हुए फ्रेंड्स, वो वापस आएगा। तो यही वो चीजें हैं, जो चीजें नहीं करनी है उनको मत करो, मत उसके भाव बढ़ाओ, नहीं तो वो वापस नहीं आएगा। अपने भाव बढ़ाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, खुद पे काम करो, खुद पे काम करोगे पीछे पीछे चल के आएगा, चाहे लड़का है चाहे लड़की। उसके भाव तब बड़े हैं, हो सकता है आपने जितना आप उसको प्यार करते थे उसका 200% उसको दिखा दिया, अरे मैं तो मरे जा रहा हूं तेरे बिना, मैं रह नहीं सकती तेरे बिना। ऐसा मत करो, अपने आप की भी वैल्यू दिखा कि भाई मेरा भी कुछ स्टेटस है। हाँ, अगर खुद की वैल्यू बढ़ाओगे, खुद पे काम करोगे, लोग वापस आएंगे फ्रेंड्स। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करो, और ये आई अश्योर यू कि जो लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं वो आपको इग्नोर नहीं करेंगे, और वो लोग वापस आएंगे आपकी जिंदगी में। तो फ्रेंड्स, मुझे जरूर फीडबैक शेयर करना कि आपको ये टिप्स कैसे लगे, और आगे नए टॉपिक पे हम बात करेंगे, तो उसके लिए प्लीज आप मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।